सुबह का नाश्ता हो या हो दोपहर का, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ना ही ये समोसे हैं, ना ही ये पकोड़े हैं, ये क्या बनाया है मैंने? आप सबको लास्ट तक जुड़े रहना होगा वीडियो में, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये फ्लोवर्स किस चीज़ के हैं और ये कैसे बने हैं। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सबको वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। यहाँ पर मैंने 3 बॉयल आलू ले लिए हैं, इनको हम बॉयल आलू से बनाएंगे। जी हाँ, और इसको हमने ग्रेट भी कर लिया है। आप भी इसको ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लीजिए ताकि बारीक हो जाए आलू अच्छे से। यहाँ पर हम अपना एक बाउल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे आलू। आलू के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं आटा। मैंने ये 1 कप आटा लिया है चाय के कप से, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ अजवाइन ली है ताकि ये पचने में इसको आसानी हो, और साथ टेस्ट के अनुसार नमक ऐड किया, इसके साथ ही चिली फ्लेक्स ऐड किया है। सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ इसमें कलौंजी थोड़ी सी, और घी ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप इसको मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये हेल्दी बनाया है नाश्ता, तो इसलिए मैंने आटा यूज़ किया है। मैं थोड़ा हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ इसीलिए। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन रखना, तो ताकि हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ पर मैंने फिर से इसमें ऐड किया खाने वाला सोडा थोड़ा सा, और साथ ही मैंने काली मिर्च पाउडर, इसको भी मिक्स किया, और थोड़ा सा पानी लेकर मैंने लगभग 1 चम्मच, और इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे और इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, और इसके रेस्ट पे रख देंगे इसको। यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था। अब उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के इसकी लोई बना लूँगी। आपको इस तरीके से इसकी लोइयाँ बना लेनी है छोटी छोटी। अब मैं एक एक लोई को इस तरीके से इसको बेल लूँगी। इसको ज़रूरी नहीं है कि हमें गोली बेलना है, किसी तरीके से भी बेलिए, आप इसको पतला बेल लीजिए सिर्फ, क्योंकि हम फ्लोवर्स बनाएंगे ना, उसमें इसका डिज़ाइन अच्छा लगेगा, इसलिए इसको गोल बेलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं सारी ये रोटियां अपनी बेल लूँगी, छोटी छोटी पूड़ियां, और इनको मैं साइड पर रखती जाऊँगी। यहाँ पर सारी पूड़ियां बिलकर तैयार हो गई हैं। अब मैंने एक उठाई, इसके ऊपर से दूसरी उठाई, फिर इस तरीके से मैं एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अब इन्हें बीच से मैं उठाकर एक साइड से बीच का पोर्शन तक मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, बराबर कर दूंगी ऊपर से, और मैं नीचे की इसकी साइड पकड़ूंगी और इस तरीके से इसका फ्लोवर्स बना दूंगी। सारे फ्लोवर्स इसी तरीके से आपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हाथ से अलग अलग इसकी पत्तियां कर दीजिए, बिल्कुल ये फूल लगेगा। ऐसे ही मैं सारे फ्लोवर्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर ये फ्लोवर्स बनकर तैयार हो गए हैं, फ्राई कर लेते हैं। ये देख लीजिए, फ्राई हो चुके हैं, और इसका कलर थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा कैमरे में, वैसे इनका कलर बहुत अच्छा आया था और ये अंदर तक सिक चुकी हैं। बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ था ये नाश्ता। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाइए, और आप अगर चाय के शौकीन हैं तो ये ज़रूर बनाइए। ये मैंने मठरी बनाई है, और ये फ्लोवर्स मठरी है। ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ मैं, यूज़फुल, आपको आसान और सिंपल तरीके से बनाकर दिखाती हूँ, तो जुड़े रहें मेरे साथ। अब मिलती हूँ मैं आपसे अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, बाय।